हेलो जैसे मोट मैं ललिता मुनो। आज हम छोला मेथी के ढोकले बनाने जा रहे हैं, जो कि गुजरात की बहुत ही पॉपुलर डिश है और ये बहुत ही हेल्थी भी है। ये रेसिपी आप नाश्ते में, इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बनाकर खा सकते हैं और ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। छोला मेथी ढोकला बनाने के लिए मैंने आधा कप छोले की दाल ली है, जिसे लोबिया की दाल भी बोलते हैं, वो इस तरह से रहती है। आधा कप मैंने उलद लिए है। 1 टीस्पून हमें चाहिए मेथी दाना, पीली मेथी। सबसे पहले हम मेथी को पानी डालकर अलग से भिगो देंगे और इन दोनों दालों को मिक्स कर 2 से 3 पानी में धोकर अलग से भिगो देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और हमारा उलद और छोले की दाल अच्छे से भीग के रेडी हो गई है। अब हम इसे पीस लेते हैं। छोला और उलद जो हमने पीसी है, उसका हमारा बैटर बन के इस तरह से रेडी है। अब हम इसमें जो सामग्री मिक्स करेंगे वो है, जो हमने मेथी भिगो कर रखी थी उसका पानी निकाल दिया है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, आप चाहो तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। 1/4 कप जितना पालक है बारीक कटा हुआ। 1/4 कप मेथी है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, फ्रेश मेथी है। 1/4 टीस्पून नींबू का सत है, नमक स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून ऑयल है। 1 पिंच बेकिंग सोडा है। सबसे पहले बैटर को हम एक बार हिलाकर इसमें जो हमने मेथी भिगो कर रखी थी उसको डालेंगे। नमक, नींबू सत, हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट, पालक, फ्रेश मेथी चॉप की हुई, ऑयल 1 टेबलस्पून, और 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा। इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर अच्छे से मिक्स हो गई हमारी सारी सामग्री। अब हम इसे ढककर आधा घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम बैटर में 1/4 टीस्पून जितना ईना डालेंगे और इस पर 1 टीस्पून जितना पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा घंटा हो गया है, घोल अच्छे से भीग गया है। अब हम इसे एक बार हिला लेते हैं। सबसे पहले हम स्टीमर में पानी गर्म रख देते हैं। मैंने स्टीमर में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह के केक मोल्ड आते हैं, अगर आपके पास है तो आप ले सकते हो। एक कपकेक के मोल्ड है, आप इस तरह के है तो ये भी ले सकते हो। नहीं है तो आप थाली में भी बना सकते हो। इस पे थोड़ा सा हमें ग्रीस करना है। इसी तरह से हम सारे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह के मोल्ड में डालेंगे। हमें इसे पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा खाली रखना है। इसी तरह से हम सारे मोल्ड्स को भर लेंगे। अगर पास मोल्ड नहीं है और छोटी छोटी कटोरी है तो आप उसको भी ग्रीस कर उसमें भी रख सकते हो। इसको एक बार इस तरह से अच्छे से टैप कर लेना है। अब स्टीमर को, जो गर्म हो गया हमारा स्टीमर, इसमें रखेंगे और सिर्फ 8 से 10 मिनट में हमारे खमन बनकर रेडी हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए, हमारे खमन बनके रेडी है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस पर हम फली का तेल लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर बटर भी लगा सकते हो।
गरम गरम पर ही लगाना है। अब हम इसे निकाल कर डीमोल्ड कर लेते हैं। हमारे छोले मेथी के ढोकले बनके रेडी है। मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर से फली का तेल डालकर सर्व किया है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकले बने हैं। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।